25% किसके बराबर है? तो 25% x के बराबर है, 25% x के बराबर है। अब देखिए 25, अब परसेंट यहां पे 1/100 आपको डालना है, 25 चौका 100 इज इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू 1/4। लेकिन आप थोड़ा ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन आपको पॉइंट में दे रहा है, इसका आंसर पॉइंट में दे रही है, तो 0.25 इसका आंसर होगा, बिल्कुल इजीली कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, 12.2% को किस भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? ठीक है, यानी कि 12.2% को आपको भिन्न के रूप में लिखना है, यानी कि P/Q के रूप में लिखना है। तो देखिए 12.2 का मतलब क्या हुआ, 25/2 परसेंट है, तो परसेंट का मतलब 1/100, भिन्न का मतलब बट्टा के रूप में होना चाहिए, 25 चौका 100, यानी 1/8 इसका आंसर हुआ, बिल्कुल इजी बन गया। उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 ही बना सकते हैं, 37.1/2 यानी कि 75/2% किसके बराबर है? 75/2 स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं, उसके बाद फास्ट नहीं चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है 75/2 परसेंट है ना, गुना 1/100 को आप भिन्न के रूप में लिखना, आपको 25 × 75 × 25 = 100, यानी कि इसका आंसर होगा 3/8। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ, 3/8। आपको ऑप्शन सब नहीं दिखा रहे, आपको सिर्फ क्वेश्चन बनाना सिखा रहे कैसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देखिए 3/4 को परसेंट के रूप में लिखिए, ठीक है, 3/4 को परसेंट के रूप में लिखिए, क्या लिखना है, 3/4 को परसेंट के रूप में लिखना है। तो देखिए तो कैसे लिखिएगा परसेंट के रूप में, तो 3/4 जो है किसी न किसी संख्या का 3/4 होगा, किसी न किसी संख्या परसेंट के रूप में आपको लिखना है, तो 3/4। अब देखिए एक चीज आप सीखिए, परसेंट को यानी किसी संख्या को परसेंट के रूप में लिखने के लिए 1/100 से गुना कर सकते हैं, गुना करते हैं, और उसी संख्या को यानी किसी संख्या को यानी कि किसी संख्या को आपको परसेंट से भिन्न में बदलने के लिए 1/100 से गुना करते हैं, यानी कि 100 से भाग देते हैं। ठीक है, अब उसी संख्या को आपको परसेंट के रूप में बदलने के लिए क्या करना है, 100 से आपको गुना करना है, क्या करना है, गुना करना है, तो 3/4 × 100, 4 से 25 यानी कि 3/4 जो होगा 75% के बराबर होगा, और इस तरह संपूर्णता नहीं सीखे, इसको दूसरा तरीके से बताते हैं। देखिए इसको ऐसे करते हैं, 3/4 भाग है, यानी कि x का 3/4 जो है, x का 3/4 जो है x के कितना परसेंट के बराबर है। ठीक है, यहां पर के का वैल्यू x x कट जाएगा, 4 से 25 कटेगा, और 25 × 75 यानी k का वैल्यू 75%। वैसे ये सब चीज का आगे आपको यूज होगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आइए,
माइनस क्या होगा मिटेगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। चले हो गया। हाँ तो देखिए सबसे पहले क्या है क्वेश्चन नंबर 7 जो है, भिन्न 3/8 कितने परसेंट के बराबर है। 3/8 को आपको परसेंट के रूप में चेंज करना है। तो देखिए कोई भी भिन्न संख्या है इसको परसेंट के रूप में चेंज करने के लिए डायरेक्टली क्या कीजिए 100 से गुना कर दीजिए। अब कोई भी संख्या है उसको भिन्न के रूप में बदलने के लिए क्या करना है 100 से भाग देना है। तो 3/8 है इसको परसेंट में बदलने के लिए क्या कीजिए 100 से गुणा कर दीजिए डायरेक्टली। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में किए थे वही काम आप इसमें करना है। तो 3/8 गुना 100, 4 × 8 25 × 100, 25 × 75 / 2 % यानी कि 37.1/2%। ठीक है बिल्कुल इजली बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहता है, रुपया 34 का 15% क्या होगा। रुपया 34 का 15% क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना, जैसा आपको दिया वैसे करना है। 34 का मतलब गुना 15% का मतलब बट्टा 100 क्या होगा। तो 5 से कटा दीजिए, 5 × 3 = 15, 25 × 1 = 20, 5 × 1 = 100, 2 से कटेगा 17, 2 × 10 17 × 51 / 10 यानी कि 5.1 होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर 5.1। ओके तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। चार सौ पचास का तीस परसेंट क्या होगा। 45 को 3 से गुना कर दिए, 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12, 135 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 348 का 66.2/3% क्या होगा। कुछ भी नहीं कर, जैसा देखो दिया हुआ सब लिखना है। 348 गुना इसको कितना होगा, 6 × 3 = 18, 2 = 20, इसको क्या करोगे 66 को 3 से गुणा कीजिए फिर 2 जोड़ दीजिए, 18 × 2 = 20 यानी इसका आंसर 200/3। अब परसेंट का मतलब 1/100, 2 × 2 = 2 खत्म, 3 × 3 = 48, 100 × 2 = 200, इसका क्या हुआ 232। 11 नंबर देखिए, चार सौ अठारह का 5.72% क्या होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, 418 गुना
5.72% मतलब बट्टा में 100 को करना है। अब क्या कीजिए, इसको कटाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, इसे 572 को 418 से आप गुना कर ही दीजिए, उसके बाद 2 पॉइंट के बाद और दशमलव डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे गुना करने जाए तो थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो इतना एक छोटा सा काम है आप कर ही दीजिए, ठीक है, कर लीजिएगा। भारत देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये है, क्वेश्चन नंबर 12 ये है, क्या कहता है क्वेश्चन में, 35 का 60% 400 का कितना परसेंट के बराबर है, ठीक है। 35 का 60% 400 का कितने परसेंट के बराबर है, देखिए तो जैसा वो कहता है वैसा आप कीजिए। 35 का 60% जो है, 35 का 60% जो है वो 35 का 60% किसके बराबर, यानी कि 400 का K4 कितना परसेंट के बराबर, यानी कि 400 का कितना परसेंट के बराबर है 35 का 60%, ठीक है। अब क्या बोले, आर पार कटाने के लिए 100 से 100 कट जाएगा, क्या बच गया, तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 7 35 5 8 40, 2 से कटेगा, 2 3 6 2 4 8, 21/4 यानी K=21/4, आपको आंसर किसी भी रूप में रहे वो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा 468 का 23% के बराबर है, यानी कि आपको 468 का 23% निकालने को कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यानी 468 का 23% निकालना है, 468 का 23% निकाल दीजिए, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। क्या कीजिए, 23 से इसको गुणा कर दीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है कि 500 रुपए का 20% का 15% का 10% क्या होगा, कुछ भी नहीं करना, मैं जैसे कहता वैसे कर दीजिए। 500 का 20% का 15% का 10% क्या होगा, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, बिल्कुल आपको आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 15 देखिए, 2000 का 5% का 5% क्या होगा, निकल जाएगा 2000 का 5% का 5% क्या होगा, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी निकालिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन 16 देखिए, 1500 का व्हाट परसेंट प्लस 50 बराबर 500। 1500 का व्हाट किया पर 100 एक्स एक्स बट्टा 100 इज एक्स प्लस 50 बराबर 500। क्या करना है इसमें? तो कुछ भी नहीं, पहले इसको दो जीरो हटा दीजिए। 15x इक्वल टू 50 उधर जाकर माइनस हो जाएगी, ये 50 इधर प्लस में उस पर जाएगी तो 50 हो जाएगी माइनस में, यानी इधर क्या हो जाएगा 450। 450 15 3 45 यानी कि x इक्वल टू 30 आ जाएगा। क्या आएगा x के वैल्यू? 30 आएगा। 17 देखिए, 96 का 8% बराबर x का 1/25 हो तो x का वैल्यू चाहिए। 96 का 8% बराबर x का 1/25 हो, क्या करना है आपको? एक तरीका सिखाएगा, ऊपर को ऊपर कटे, नीचे को नीचे से कटाइए। तो क्या कटेगा? 25 चौका 100 और 4 से 24 चौका 96 और 8 को 24 से गुणा कीजिए, 8 चौका 32, 8 दुना 16 3 19 यानी x को लो 192 बिल्कुल इजीली निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या कहता है? 450 का 27% माइनस 375 का वाट परसेंट इक्वल टू 76.5। ठीक है, इसको आपको बनाना है। तो वहां पे वाट किया तो क्या है, 450 गुना दिख रहा है ना, 450 गुना 27% माइनस 375 18। 450 गुना 27/100 माइनस 375 गुना एक्स बट्टा 100 इक्वल टू 76.5 इतना है। अब इसको कैसे बनाएगा? अब देखिए इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, पर ये मुश्किल होगा नहीं, बिल्कुल आसानी से बनेगा। देखिए कैसे, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं इस, अब देखिए, अब आपको क्या, आपको एक इक्वेशन दिया हो, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको आसानी से कैसे करना है वो आपको सोचना है। तो सबसे पहले क्या करना, नीचे देखिए 2 100 है, इधर भी यदि 100 आ जाए नीचे में तो ये कट सकता है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो डाल दीजिए, इस पॉइंट को हटा करके बट्टा में 100 कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस के रूप में है तो 100 दोनों में बट्टा में यह कॉमन हो जाएगा। अब देखिए अब इतना चीज हम यदि करने जाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इतना चीज यदि हम करने जाएंगे तो हमारा बोर्ड पूरा भर जाएगा, फिर तब जाके आंसर निकले। लेकिन हमको क्या करना है, आंसर को बिल्कुल एक लाइन में ही निकालना है। तो देखिए क्या करना है कि 100 यदि कॉमन हो जाए तो ये दोनों 100 इधर जाए, बट्टा में 100 आ जाएगा, इधर भी 100 है, 100 100 कट जाएगा, यानी तीनों 100 को हम कटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसको 27 से गुणा कीजिए, फिर इतना में माइनस कीजिए, इससे बेहतर है इसमें से कुछ कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन हो सकता है? 15 कॉमन हो सकता है। क्या कॉमन हो सकता है? 15 कॉमन हो सकता है। तो 15 हम कॉमन कर लिए, बच गया कितना 30। 30 गुणे 27, 27 81 यानी 810। ये सब काम आपको माइंडली करना है, ये सब चीज आपको माइंडली करना है और ये सब चीज आपको हम सिखा देंगे। देखिए इसमें से 15 कॉमन हो गया तो यहाँ बच गया कितना 30 बच गया। 30 को 27 से को गुणा करना है, 27 81 810 माइनस, इसमें से 15 कॉमन हो चुका है तो बचा कितना, 15 2 30 15 75 25 बचा हुआ है, 25x इक्वल टू 7650। अब देखिए 15 से इसको आप कटा सकते हैं, 15 75 15 1 15 510 आ गया। अब देखिए माइनस माइनस 25x इक्वल टू 510 है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा काम आप माइंडली कीजिए,
तो 810 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 810 में से 510 माइनस होगा, यानी कि -300। -25x इक्वल टू -300, माइनस माइनस कैंसिल, 25 से कटाइए। देखिए 25 चौका 100 होता है और वही 3 टाइम है, तो 4 × 12 x इक्वल टू 12। देखिए इतना कैलकुलेशन करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम जाता, माइंड जाता और पूरा बोर्ड भर जाता और आपको बहुत सारा यानी कि टाइम भी लॉस होता, पर हम कुछ कॉमन सेंस का यूज करके, हम कुछ सोच करके इसको आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 50 का 860% प्लस 860 का 50% क्या होगा। कुछ भी नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है। देखिए 50 का 860% प्लस 860 का 50% क्या होगा, इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए 50 गुना 860 बटा 100, फिर 860 गुना 50 बटा 100 कैलकुलेट कीजिएगा तो हो सकता है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 5 गुना 86 और प्लस 86 गुना 5, यानी कि 5 गुना 86, तो 5 गुना 86, 5 गुना 86 को 2 से और गुना कर दिए, 5 गुना 86। और जो अब देखिए सेम चीज को अब दो बार जोड़ने से बेहतर 2 से गुना कर दीजिए, गुना 2, 5 गुना 10 8, यानी कि 8 × 6 = 1 0, 8 × 7। इस तरह से आप आसान बना सकते हैं, वैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं।